ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन कॉल्स। फंक्शन वाले वीडियोस में हमने देखे थे फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं इस, और हमने इससे पहले देखा था फंक्शन के अंदर और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन कॉल, फंक्शन की कितने तरीके की कॉल होती है, फंक्शन को किन किन तरीके से कॉल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक के लिए, ये सब कुछ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने मेरे पिछले फंक्शन के वीडियोज नहीं देखे तो उनको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उनकी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। टाइप ऑफ फंक्शन कॉल इन सी, फंक्शन कॉल की क्या क्या टाइप होते हैं उनको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे होता है टाइप ऑफ फंक्शन कॉल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिकली कितने टाइप की फंक्शन कॉल होती हैं। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन कॉल अ फंक्शन इन टू डिफरेंट वेज। हम फंक्शन को दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, बेस्ड ऑन हाउ वी स्पेसिफाई द आर्ग्यूमेंट्स एंड दीज टू वेज आर। फंक्शन को कॉल करने के सी प्रोग्रामिंग के अंदर दो तरीके होते हैं, जो कि पहला तरीका होता है कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये किस तरीके से कॉल करते हैं। एक दूसरा तरीका होता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम किस तरीके से कॉल करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉल बाय वैल्यू की। कॉल बाय वैल्यू होता है व्हेन वी कॉल अ फंक्शन बाय वैल्यू। जब भी हम कोई फंक्शन वैल्यू के थ्रू कॉल करते हैं, इट मींस दैट वी आर पासिंग द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट व्हिच आर कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। मैंने आपको बताया था फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं। जैसे मैं यहां पे समझाता हूं, जो भी कोई भी फंक्शन हम कॉल करते हैं, जब जैसे मैं यहां पे एक एफ नाम से फंक्शन बनाया, यहां पे हो गया ये फंक्शन की होगी डेफिनेशन। अब मैं फंक्शन को जब भी हम यहाँ से कॉल करते हैं, फंक्शन जब भी कॉल यहाँ पे कहेगा व्हेन वी कॉल अ फंक्शन बाय वैल्यू। जब भी हम कोई भी, जैसे हमने ए वैल्यू ना उसके अंदर 4 डाल दिया, या फिर हमने डायरेक्टली यहाँ पे 4 पास कर दिया, तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। जैसे यहाँ पे ए वेरिएबल है, उसके अंदर है हमारा 4। अब मैं यहाँ पे इस ए वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। वैल्यू के थ्रू फंक्शन को हमने कॉल किया है, इसका मतलब ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू अलग रहेगी। जो ये वैल्यू यहाँ से हमने पास किया और यहाँ पे रिसीव होगी, ये हमारी अलग होगी। जब भी आप इस फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को चेंज करोगे तो इस वैल्यू पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब विच मींस दैट द ओरिजिनल वैल्यू रिमेंस अनचेंज एंड ओनली द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन चेंज। यही बात मैंने जो आपको भी बताई, जो वैल्यू हम यहां से पास कर रहे हैं, ये हमारा जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू इस केस में जब भी हम वैल्यू के थ्रू फंक्शन कॉल करते हैं तो चेंज नहीं होती है। जब भी हम इस फंक्शन की बॉडी के अंदर चेंज कुछ भी करेंगे तो वो इस फंक्शन के अंदर लोकली चेंज होगा, ओरिजिनल वैल्यू पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू। अब होता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है? द कॉल बाय रेफरेंस मेथड इज यूजिंग आर्ग्यूमेंट टू अ सी फंक्शन कॉपीड द एड्रेस ऑफ अ आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। जब भी जैसे हमने यहाँ पर किया था वैल्यू के थ्रू, और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे एड्रेस के थ्रू। इसके थ्रू एड्रेस के थ्रू मैं यहाँ पर ए का एड्रेस देता हूँ, इसका मतलब जो ए है ना, ये जो घर है, एक घर मानते हैं, ये जो घर है मैंने उसका एक एड्रेस दे दिया। जब भी हम किसी के अंदर एड्रेस पास करते हैं फंक्शन को कॉल करने के, तो इसको बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस। हमने इसका रेफरेंस एड्रेस दिया है। तो यहाँ पे जब भी किसी भी वेरिएबल का हम एड्रेस किसी में रखवाते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हम नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर वेरिएबल। तो जब यहाँ से हम एड्रेस पास करेंगे तो ये पॉइंटर वेरिएबल इसके एड्रेस को होल्ड करेगा। तो हमने कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू फंक्शन को कॉल किया। तो जब भी हम पॉइंटर के थ्रू कोई भी वैल्यू एक्सेस करते हैं और पॉइंटर के थ्रू उसमें वैल्यू चेंज करेंगे, तो ये हम इसके अंदर जब हम वैल्यू चेंज करेंगे, अभी मैं आपको कोड आईडी के अंदर इसको जाकर समझाऊंगा अच्छे से। जब भी हम इसके अंदर चेंज करेंगे, जब भी हमने कोई फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस से कॉल किया है, तो यहाँ पे जो हम चेंज करेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। अब एड्रेसेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड एंड देन असाइंड टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये होता है हमारा। अब इसको अच्छे से समझने के लिए, किस तरीके से चेंज होता है, किस तरीके से कॉल बाय वैल्यू होता है फंक्शन, किस तरीके से कॉल बाय रेफरेंस करते हैं हम, इसको हम देख लेते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर। तो चलते हैं कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ फंक्शन कॉल के नाम से, टाइप ऑफ फंक्शन कॉल बना लेता हूँ। टाइप ऑफ फंक्शन कॉल डॉट सी के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। यहाँ पे मैं अपना एक स्निपेट लिख लेता हूँ मेन टू नाम से, मैंने स्निपेट बना रखा है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप ऑफ फंक्शन कॉल इन सी, यहाँ पे मैंने ये बना लिया। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या हमारा प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन किया, मेरा प्रोग्राम परफेक्टली फाइन चल रहा है। इस पर चलने के बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू, मैंने उसके अंदर 5 डाल दिया यहाँ पे। और मैं एक फंक्शन भी बना लेता हूँ यहाँ से, फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू किस तरीके से कॉल किया जाता है। वॉइड वन नाम से मैंने फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने एक वैल्यू ले ली, यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू रिसीव करेगा जी। मैंने यहाँ पे बोला एन इज इक्वल्स टू कर दो 15 और 15 कर दो। यहाँ पे मैंने इसके अंदर एन के 15 वैल्यू करा दी।
अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया, मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट एफ कर दो, दी वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी कॉमा ए। अब यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पास कर दी यहाँ पे। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले कॉल कर लेता हूँ उसके बाद रन करेंगे, फंक्शन को कॉल किया उसके अंदर ए को मैंने पास कर दिया। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये मैंने कॉल वाई वैल्यू किया है फंक्शन, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ फंक्शन कॉल वाई वैल्यू, ऐसे ये फंक्शन हुआ कॉल वाई वैल्यू। जब भी फंक्शन कॉल वाई वैल्यू होता तो यहाँ से ये 5 जाएगा, 5 ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाएगी, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनकर यहाँ पे जाएगी। और जब फिर ये एन के अंदर आ जाएगा, एन के अंदर क्या जाएगा 5, मैंने एन के अंदर डाल दिया 15, तो यहाँ पे ये वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं इस वेरिएबल का भी नाम ए ही रख देता हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे ये वेरिएबल आ गया, अब मैंने एन को तो कर दिया 15, तो ये 15 हो जानी चाहिए इनकी वैल्यू आपके समझ से। जैसे मैं यहाँ पे 15 करके दिखाऊंगा अभी, तो यहाँ पे ये जो है ना, ये एक ही वैल्यू यहाँ पे लोकली चेंज होगी, ना कि ये ओरिजिनल वैल्यू चेंज होगी, ये ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होगी, लोकल वैल्यू चेंज होगी, तो इससे इस वैल्यू पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम कॉल बाय वैल्यू को फंक्शन को कॉल कराते हैं। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ यहाँ से। अब देखो मैंने इसको रन किया, 5 आ गया यहाँ पे। अब ये 5 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे मैंने 15 किया एक अंदर, तो ये वैल्यू चेंज नहीं, ये लोकली चेंज हुआ यहीं तक है बस खाली, ये यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा और मैंने यहाँ पे फंक्शन को भी कॉल कर दिया। अब ये हो गया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ मैं फंक्शन 1 के नाम से। अब मैं इसके अंदर ए पास करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ void fun1 के नाम से int star ptr, ptr नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर मैंने वैल्यू का एस्केप किया। अब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे। अब मैं ये तो हो गया कॉल वाई वैल्यू, इसको मैं पास करता हूँ कॉल वाई रेफरेंस, एड्रेस के थ्रू पास करता हूँ, इसको बोला जाता है फंक्शन कॉल वाई रेफरेंस। अब ये मैंने फंक्शन को कॉल वाई रेफरेंस किया, इसको अब मैं दोबारा से लाइन चलाता हूँ यहाँ से, मैं बोलता हूँ नाउ दी वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। अब मैंने इस फंक्शन को यहाँ से पास किया, अब इसको देखो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल तो कर लिया, इसको एक बार रन करके दिखा दो पहले आप। मैंने यहाँ से किया रन, अब देखो प्रिंट क्या होगी, दी वैल्यू ऑफ ए इज 5, नाउ दी वैल्यू ऑफ ए इज 5, अब भी वैल्यू 5 है, 5 है, कुछ चेंजेस नहीं किया मैंने यहाँ पे। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया एड्रेस के थ्रू, तो ये आ गया इसके अंदर एड्रेस। अब मैंने बोला स्टार पीटीआर मैं डाल दो कितना, अब कितना 5, तो मैंने बोला इसके अंदर डाल दो 20, अब ये 20 चला गया। अब ये ओरिजिनली इसके पास किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है, तो ए के एड्रेस पर जाएगा और 20 रख के देगा, तो अब ये इसकी नई वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 5 प्रिंट होगा और यहाँ पे क्या होगा 20 प्रिंट। इसको रन कर लेते हैं एक बार, यहाँ से मैंने इसको रन किया। अब देखो फ्रेंड, द वैल्यू ऑफ ए इज 5, फंक्शन जब भी हम कॉल बाय वैल्यू होता है तो उसमें वैल्यू ओरिजिनल वाली अलग रहती है, और जो यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो रिसीव होता है वो कभी भी वैल्यू को ओरिजिनल वाली वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, उसकी कॉपी पास होती है वहां पर। और जब भी हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो हम फंक्शन के अंदर भी वैल्यू को ओरिजिनल जो हमारा वेरिएबल होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, देखो यहाँ पे कर दिया मैंने इसको, यहाँ फंक्शन के अंदर मैंने चेंज किया तो चेंज हो गया। अब मैं एक और बार इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन 1 को कॉल किया, मैंने दे दिया एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस दे दिया मैंने। अब फिर से मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अब क्या होगा, अब मैंने इसको प्रिंट यहाँ पे कॉल किया, मैं इसको एक दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ फंक्शन 2 के नाम से। अब मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ से, इसको यहाँ से दोबारा पेस्ट किया। अब मैंने बोला स्टार पीटीआर जो है इसको 30 रख दो इसके पे। अब क्या हो जाएगा, अब 30 वैल्यू हो जाएगी, ये कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे, इसको कट करते हैं यहाँ से। खैर सेलेक्ट करके रन नहीं करना होता है फ्रेंड्स कभी भी, यहाँ से मैंने रन किया, अब भी एरर शो हो रहा है, ये एरर क्या हो रहा है, फंक्शन 1 नाम सेम हो रहा है फंक्शन का, तो यहाँ से मैंने फंक्शन 2 कर दिया, फंक्शन 2 हो गया। अब ये फंक्शन के नाम अलग अलग हो गए, इस तरीके से हम रन करते हैं, कभी भी फंक्शन के नाम सेम नहीं हो सकते। अब देखो कॉल बाय वैल्यू किया था तो क्या हो गया 5, फिर इसको मैंने कॉल बाय रेफरेंस किया था तो 20 वैल्यू चेंज कर दी मैंने फंक्शन के अंदर, 20 हो गई। अब मैंने कॉल बाय दोबारा कॉल बाय रेफरेंस किया, फिर मैंने फंक्शन के अंदर कर दिया 30, तो 30 भी हमारा चेंज हो गया। देखो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है हमारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। जब भी आपको कॉल बाय किसी भी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कराना होगा फंक्शन के थ्रू, तो आप क्या करोगे कॉल बाय वैल्यू। जब भी आप चाहते हो कि मेरी ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो इस कंडीशन के बेस पे, तो आप क्या करोगे कॉल बाय रेफरेंस करोगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को एंड करने से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।